फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट बस। आज की वीडियो में हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी का बैट, जिसके लिए आपको इन सब सामान की ज़रूरत पड़ेगी। आप प्लीज़ देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको मोबाइल बॉक्स और कार्डबोर्ड लेना है और मोबाइल बॉक्स के अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड को काट लेना है। आपका कार्डबोर्ड कट गया है, उसके बाद में मोबाइल बॉक्स के अंदर हमें न्यूज़पेपर फिल करने हैं ग्लू गन की हेल्प से। जब आप न्यूज़पेपर की हेल्प से कार्ड बॉक्स को फिल कर लेंगे, उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद हमें एक जो हमने कार्डबोर्ड काटा था उसको हमें इस बॉक्स के ऊपर पेस्ट करना है ग्लू गन की हेल्प से। पहले हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये पेस्ट हो गया है, इसके ऊपर हमें अब फॉर्म लगानी है, तो पहले हम फॉर्म पेस्ट कर लेते हैं, देन फिर उसका एक्स्ट्रा साइज हमें कट कर देना है। मैंने 4 लेयर्स लगाई हैं फॉर्म के, आप चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं। आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें कपड़े को, जो हमने पर्पल कलर का कपड़ा लिया था, उसको हमें कवर करना है इस बॉक्स को। कवर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपका लुक में अच्छा लगेगा बॉक्स, तो प्लीज़ उसे कवर अच्छे से करिएगा, जैसे आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। क्लोथ बॉक्स पर पेस्ट हो गया है, आगे का प्रोसेस देखते हैं। आगे हमें बैम्बू स्टिक्स लेनी हैं, जो कि जैसा कि मैंने आपको इमेजेस में शो किया था, उनको 3-3 बैम्बू स्टिक्स को आपको सेलो टेप से चिपका लेना है अच्छे से, ताकि वो हिले ना। बैम्बू स्टिक्स पेस्ट हो गई हैं, इसके बाद हमें बैड को लेना है और बैड में 2 होल्स करने हैं अपोजिट साइड, ओनली 1 साइड। देन फिर हमें बैम्बू स्टिक्स में ग्लू गन लगाकर बैड में फिक्स कर देना है। देन फिर हमें बॉक्स का कवर लेना है, उसको भी हमें क्लोथ से, पर्पल वाले क्लोथ से कवर अप कर देना है। प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखें, हमारे लड्डू गोपाल जी का बैट बहुत ही सुंदर बनने वाला है। बॉक्स कवर को हमने क्लोथ से कवर कर दिया है, तो उसके बाद में हम आगे के स्टेप्स देखते हैं। आगे हमें बैड लेना है और जो हमने कवर बॉक्स बनाया था उसके ऊपर सेट करके देख लेना है कि वो सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
उसके बाद हमने जो बैम्बू स्टिक्स लगाई थी उनको कवर करने का टाइम आ गया है, तो उसको हम लेस से हाफ इंच की लेस से कवर कर लेंगे। बैम्बू स्टिक को हमने लेस से कवर कर लिया है, उसके बाद हमें नेट, ऑरेंज कलर की नेट जो हमने पिक्चर में दिखाई थी फ्रंट में, उसको हमें बैम्बू स्टिक के बैक में पेस्ट करना है, तो उस नेट को हम उतना पीस कट कर लेंगे। नेट हमने पेस्ट कर लिया है, उसके बाद हमें बेड के सबसे नीचे 1 इंच की लेस लगानी है, जैसा कि हमने आपको पिक्चर में शो किया था। लेस लगा लेते हैं। हमारी लेस लग चुकी है, उसके बाद हमने उसी लेस को जो बेड का बैक पोर्शन है बैम्बू स्टिक पे हमें पेस्ट करना है। देखिए इस तरह से हमें बैम्बू स्टिक्स पे लेस को पेस्ट करना है। जो हमने नेट बैक में यूज़ करी थी ऑरेंज कलर की, उसी नेट से हमें जैसे कैनोपी बेड में चारों तरफ से पर्दे लगे होते हैं बेड में, उसी तरह से हमें ये बेड बनाना है, तो उसी नेट को यूज़ करते हुए हम बेड बना लेते हैं। हमारे कर्टेंस लग चुके हैं। अब हमें मोबाइल बॉक्स के कवर को बैम्बू स्टिक्स के ऊपर पेस्ट करना है, तो हम उसे पेस्ट कर लेते हैं। कर्टेन्स हम लगा चुके हैं। अब बारी आती है हमें झूले के ऊपर कृष्णा जी का नाम लिखना है, तो उसको कैसे लिखते हैं, पहले हमें एक कार्डबोर्ड कट कर लेना है छोटा सा पीस, उसके ऊपर कवर कर लेना है, फिर उसके ऊपर हमें कृष्णा का एक चौक से नाम लिख लेना है। देन फिर हम गोल्डन स्टोन्स को फैब्रिक ग्लू से पेस्ट करेंगे। हमने कृष्णा जी का नाम लिख लिया है। अब आती है कृष्णा जी के नाम को झूले के ऊपर पेस्ट करने की बारी, तो हम ग्लू गन की ही हेल्प से कृष्णा जी के नाम को ऊपर पेस्ट कर लेंगे।
हमने कृष्णा जी के नाम को पेस्ट कर लिया है। हमारा झूला रेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच आखिरी तक बने रहने के लिए। ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।